हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय और हमारा लर्न इजली YT चैनल और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको लाइव प्रूफ के द्वारा दिखाएंगे कि आप अपने सारे कॉन्टैक्ट्स को ईमेल में कैसे सेव कर सकते हैं और अपने सारे कॉन्टैक्ट्स को हमेशा के लिए कैसे सेफ रख सकते हैं। दोस्तों, इसका बेनिफिट यह है कि आपका अगर कॉन्टैक्ट किसी कारणवश डिलीट हो जाता है तो आप उसे अपने ईमेल से आसानी से रिकवर कर सकते हैं, चाहे वो कॉन्टैक्ट आपका कितना भी पुराना क्यों ना हो। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें इससे पहले, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, फ्रेंड्स में अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल के प्लेलिस्ट में एक बार ज़रूर विजिट कर लें, ताकि आप वहाँ से अपना यूजफुल कंटेंट आसानी से देख सकें। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें अपने फ़ोन में उपलब्ध ईमेल ऐप को ओपन कर लेना है। जब हम अपना ईमेल ऐप ओपन करते हैं तो अब हमें ऊपर में थ्री लाइन का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो अब हमें यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो अब हमें यहाँ पर वो ईमेल सेलेक्ट करना है जिस ईमेल में हम अपना सारा कॉन्टैक्ट सेव करना चाहते हैं। अब दोस्तों, ईमेल सेलेक्ट करने के बाद आपको मैनेज योर गूगल अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप अपने इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो अब आपको यहाँ पर ऊपर में कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। अब दोस्तों, इन ऑप्शंस को बाएं की तरफ स्क्रॉल करना है। उसके बाद आपको पीपल एंड शेयरिंग का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर डिवाइस का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं और अगर आपका ये ऊपर वाला ऑप्शन इनेबल नहीं है तो सबसे पहले आपको इसे इनेबल कर लेना है। हमारा इनेबल है इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। अब दोस्तों, इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद आपको यहां से बैक आना है। बैक आने के बाद अगर आपका ये ऑप्शन इनेबल होगा तो यहां पर ऑन शो होता है। उसके बाद अब आपको यहां पर कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन शो होता है, इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो अब आपको आपके कॉन्टैक्ट्स को ईमेल में सेव करने के लिए दो ऑप्शन मिलते हैं। तो दोस्तों, डायरेक्टली आप अपने कॉन्टैक्ट को ईमेल में सेव करना चाहते हैं तो आपको क्रिएट कॉन्टैक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके स्टेप बाय स्टेप सारे कॉन्टैक्ट को सेव कर लेना है, या फिर आप बैकअप के थ्रू डायरेक्टली एक ही बार में सारे कॉन्टैक्ट को ईमेल में सेव करना चाहते हैं तो आपको इंपोर्ट कॉन्टैक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, इस पर क्लिक करने से पहले आपको यहाँ से थोड़ा सा बैक होना है। अब दोस्तों, बैक आने के बाद आपको फ़ोन में उपलब्ध उस कॉन्टैक्ट ऐप को ओपन करना है जहाँ पर आप सभी कॉन्टैक्ट को सेव करके रखते हैं। अब दोस्तों, जब आप अपने ऐप को ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर सारा कॉन्टैक्ट शो होता है। अब दोस्तों, आपको ऊपर में थ्री डॉट का ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है। आप जब इस पर क्लिक करते हैं तो आपको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फाइल का ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक करके सबसे पहले आपको सारे कॉन्टैक्ट को इंपोर्ट करना होता है। अगर आपको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आपको सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन मिलता होगा, उस पर क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो सारा कॉन्टैक्ट आपका कॉपी हो चुका है। अब दोस्तों, आपको इसे शेयर करना है। जब आप शेयर करते हैं तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका कॉन्टैक्ट एक्सपोर्ट हो चुका है। अब दोस्तों, इस एक्सपोर्ट PDF को आपको कहीं पर सेव कर लेना है। अब दोस्तों, जब आप अपना कॉन्टैक्ट ये सारा एक्सपोर्ट करते हैं और इसे सेव कर लेते हैं तो आपको इस प्रकार VCF का फाइल के रूप में आपको एक फाइल शो होता है। अब दोस्तों, इस फाइल को आपको ध्यान रखना है कि आपने इस फाइल को कहां पर सेव किया हुआ है। अब दोस्तों, आपको यहां से फाइनली बैक हो जाना है और बैक होने के बाद आपको वहीं से वो प्रोसेस शुरू करना है जहाँ से आपने उसे बैक किया हुआ था। तो दोस्तों, जब आप यहाँ पर आ जाते हैं तो अब आपको फाइनली इम्पोर्ट कॉन्टैक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो अब आपको सेलेक्ट फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर वो फाइल सेलेक्ट करना है जहाँ पर सारे कॉन्टैक्ट को आपने सेव करके रखा हुआ है। अब दोस्तों, फाइल सेलेक्ट करने के बाद आपको वो ईमेल सेलेक्ट करना है जिसमें आप इस सारे कॉन्टैक्ट को सेव करना चाहते हैं। अब दोस्तों, जब आप अपना ईमेल सेलेक्ट कर लेते हैं तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका सारा कॉन्टैक्ट यहाँ पर सक्सेसफुली इंपोर्ट हो रहा है। अब दोस्तों, आपको कुछ सेकंड्स के लिए वेट करना है। कुछ सेकंड्स वेट करने के साथ ही आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका सारा कॉन्टैक्ट आपके ईमेल में सेव हो चुका है। तो दोस्तों, अब आपको इसे देखने के लिए कि आपका कॉन्टैक्ट आपके ईमेल में सेव हुआ है कि नहीं, आपको वहाँ से बैक होना है। बैक होने के बाद फाइनली आपको फिर से दोबारा से अपने जीमेल ऐप को ओपन कर लेना है। जब आप अपने जीमेल ऐप को ओपन करते हैं तो अब आपको इस प्रकार का यूजर इंटरफेस मिलता है। अब दोस्तों, सबसे पहले आपको थ्री लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप थ्री लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो अब आपको यहाँ पर नीचे में कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका सारा कॉन्टैक्ट आपके ईमेल में सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब दोस्तों, किसी कारणवश आपका कॉन्टैक्ट आपके फ़ोन से डिलीट हो जाता है तो आपका कॉन्टैक्ट इस ईमेल में सेव रखने के बाद आप उसे आसानी से रिकवर कर सकते हैं।
तो दोस्तों इस प्रकार इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपने कॉन्टैक्ट को हमेशा के लिए ईमेल में सेव रख सकते हैं और उसे हमेशा के लिए सेव रख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, फ्रेंड्स में शेयर करिए, और हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही टेक रिलेटेड जेन्यून कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में एक पॉजिटिव कमेंट जरूर करिए, क्योंकि दोस्तों आपके पॉजिटिव कमेंट्स ही हमें मोटिवेट करते हैं और उसी से मोटिवेटेड होते हुए हम आपको एक से बढ़कर एक नई जानकारी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।